क्या सोचकर तुम परदेश में अपनी पत्नी को छोड़कर आए? गोपी की जगह तुम्हारी माँ होती तो तुम काम के बोझ के तले क्या माँ के साथ भी ऐसा करते? अगर तुम्हें अपनी शादी से इतनी नफरत है और तुम सजा देना चाहते हो तो तुम्हें गोपी को नहीं बल्कि अपनी माँ को सजा देनी चाहिए। जो चोट तुमने अपनी पत्नी गोपी को पहुंचाई है ना, वो चोट मुझे लगी है। सॉरी मैम, वो मैं काम में बिजी था इसलिए मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो मॉम, जो भी पूछने पूछिए, लेकिन प्लीज मॉम आप परेशान मत होइए, वो भी मेरी वजह से। मैं समझ सकती हूँ अहम, लेकिन अभी मैं तुमसे कुछ और बात करने आई हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगे? जी मॉम, बताइए मुझे क्या करना होगा। अहम, तुम्हें ये जो नया प्रोजेक्ट मिला है उस पर तुम कल से काम शुरू करोगे, यानी कि कल तुम्हारा इस प्रोजेक्ट का पहला दिन होगा है। जी। तो मेरी इच्छा है कि तुम अपनी नई गाड़ी में गोपी वहू को अपने साथ मंदिर ले जाओ और ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। मैंने गोपी वहू को समझा दिया है, वो तुम्हारी इस उपलब्धि के लिए विशेष पूजा करेंगी। क्या तुम मेरी ये बात मानोगे? हम जब आपका आशीर्वाद ही मेरे साथ है तो ये पूजा करनी जरूरी है। हाँ जरूरी है। गोपी वहू, कल सुबह नाश्ते का मैं देख लूंगी, तुम बस अच्छे से तैयार हो जाना और अहम के साथ मंदिर चले जाना। देखो मैं सोच रही थी कि तुम दोनों ने साथ साथ अकेले समय नहीं बिताया है ना, इसलिए। माँ जी, मैं और अहम जी अकेले, मतलब आप? गोपी वहू, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं आकर क्या करूंगी तुम दोनों के साथ? देखो, तुम और अहम दोनों अकेले घर से बाहर निकलोगे तो साथ साथ रहोगे, साथ साथ बातचीत होगी, इसलिए कह रही हूँ। लेकिन माँ जी, मैं क्या बात करूँ? आप तो जानते ही हैं कि मैं तो घर पे भी उनसे ठीक से बात नहीं कर पाती हूँ, तो अकेले में माजी मुझसे नहीं होगा। और माजी, मैंने जब भी उनसे बात करने की कोशिश की है, घबराहट में हमेशा बात बिगड़ जाती है। गोपी वहू, अब ये सब सोचना छोड़ दो। माजी मुझसे नहीं होगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम अहम से इतना डरती क्यों हो? क्या वो तुम्हें खा जाएगा? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि तुम्हें अहम से क्या बातचीत करनी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कल तुम पहली बार अहम के साथ उसकी नई गाड़ी में बैठोगी, तो उसकी गाड़ी का रंग क्या है?
सफेद, तो तुम अपनी बातचीत की शुरुआत ऐसे कर सकती हो कि अहम जी क्या आपको सफेद रंग पसंद है, फिर अभी स्विट्जरलैंड जाकर आए तो ये पूछना कि स्विट्जरलैंड आपको कैसा लगा, आपको जगह खूबसूरत लगी कि नहीं, सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी स्विट्जरलैंड में, उसके बाद हाँ आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। माजी गहरा हरा। तुम्हें कैसे पता गोपी वो? काकी जी ने पूछ के बताया था। तो क्या हुआ, तुम फिर से एक बार उसे पूछ सकती हो, पूछ सकती हो ना। फिर तुम ये भी पूछ सकती हो कि आपको और कौन कौन सी गाड़ियां पसंद है, इस तरह से तुम बातचीत का सिलसिला शुरू करना, समझी गया? माजी मुझसे नहीं होगा। गोपी वो कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें इतना हिम्मत दिला रही हूँ और तुम हो कि एकदम पस्त हो जा रही हो। देखो एक काम करो, तुम आईने के सामने मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसका अभ्यास करो, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तुम में आत्मविश्वास बढ़ेगा, और अगर आत्मविश्वास होगा तो तुम आसानी से अहम के साथ बातचीत कर सकती हो, और अगर तुमने अच्छे से बातचीत की तो तुम अहम के दिल में भी जगह बना सकती हो। जब तक अहम बाहर बैठकर काम कर रहा है तुम यहाँ आईने के सामने अभ्यास करो, और हाँ साथ में कल सवेरे की तैयारी भी कर लेना। देखो रोज जैसे साड़ी नहीं पहनना, अच्छी सी साड़ी, अच्छे गहने पहनना, और बहुत अच्छे से तैयार होकर आत्मविश्वास के साथ अहम के साथ गाड़ी में आगे बैठना, समझी गया जी? चलो अब अभ्यास शुरू कर दो, और बिल्कुल डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गाड़ी आज का मौसम कितना अच्छा है, ये सब कैसे होगा, मैं ये सब कैसे बोलूंगी एम जी को, 3 घंटे से अभ्यास कर रही हूं पर अब तक नहीं बोल पाई, क्या करूं, कोशिश तो करनी होगी माजी के लिए, एम जी के लिए। चल खाने का काम तो निपट गया, या मैं पसीने से तर हो गई, लेकिन किसी को क्या, मैं अगर मर भी जाऊं ना तब भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर किचन में मैं अकेली ही मरती रही, और ये कागड़ी ना 2 मिनट के लिए भी अपनी गोपी बहू को मुझे नहीं बुलाने दिया। एम जी वो आज का मौसम ना बहुत अच्छा है, आज गर्मी थोड़ी कम है ना, आपकी गाड़ी का रंग सफेद आपको बहुत पसंद है ना। गोपी एम जी जो से बात कर रही, आज का मौसम कैसा लगा? नहीं मेरा मतलब है आपको अच्छा लगा आज का? गोपी तू पागल हो गई है, अरे शीशे में देख के एम जी क्या कर रही है? कुछ नहीं राशि बेन, वो बस ऐसे ही। गोपी मैं तेरी बहन हूं ना, तो अपनी बहन को नहीं बताएगी, बता। राशि बेन मुझे एम जी के साथ उनकी नई गाड़ी में मंदिर जाना है, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या नई गाड़ी में? हाँ कल सवेरे सवेरे। एक मिनट, क्या अहम जीजू ने खुद कहा कि वो तुझे अपनी नई गाड़ी में ले जा रहे? अहम जी ने नहीं, माजी ने मुझसे कहा कि कल सवेरे
मुझे एमजी के साथ उनकी नई गाड़ी में जाना होगा, तो जब हम गाड़ी में अकेले होंगे तो मुझे नहीं पता मैं उनसे क्या और कैसे कहूंगी, इसलिए मैं हाँ अब अच्छा है तू कर अभ्यास। वैसे मुबारक हो। धन्यवाद राशिबेन। तू कर हाँ बोल बेटा। मम्मी आज की ताजा खबर। हाँ देखिए कागड़ी अपनी प्यारी गोपी बहू को एमजी के साथ उनके नई गाड़ी में मंदिर भेज रही है और वो भी अकेले। हाय हाय। हाँ मम्मी ये कागड़ी भी ना उन दोनों को एक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही। हाँ मम्मी ये सोच सोच के मेरी तो जान जल रही है कि वहाँ वो गोपी कवार एमजी के साथ उनकी नई गाड़ी में फर्राटे मारने जा रही और मैं अपने खिचूस पति के साथ इसी घर में सड़ती रहूं जिनके जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं निकलती। अरे जेवर तो दूर की बात, वो सब छोड़ और मुद्दे पर आ जा। और मुद्दे की बात ये है कि कैसे गोपी और अहम को दूर रखा जाए। अगर गोपी और अहम साथ में आ गए तो गोपी तो सारा रस चूस लेगी और तेरे भाग में रह जाएगी सारी गुठलियां। मारी बात ध्यान से सांभर, जैसे ही गोपी और अहम गाड़ी में निकले तू बेशरम बन के गाड़ी में घुस जाना। ठीक है। अच्छा अबे फोन में कुछ क्या है ना, जरा मीठा खाने का मन हो रहा है तो वो सुस वाली मिठाई जरा मुंह में डाल दू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। साथ